नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज का आज लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट जो चैप्टर 6 है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 को लेके आया हूँ। तो आज जो इम्पोर्टेंट MCQ होने वाला है वो चैप्टर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में निरंतर यूज होने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th का चैप्टर 6 बुक नंबर 2 जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसके वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो को देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले MCQ से। सबसे पहला MCQ कहता है बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। बिहार विधान परिषद के अगर सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो आपको बताना है 6 वर्ष तक इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। राष्ट्रपति। याद रखिएगा ये जो हमारे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता है ना, उसमें जो कार्यपालिका होता है उसका जो मेन हेड आप कह सकते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। तो भारतीय जनसंघ पार्टी पहले था, क्या था, भारतीय जनसंघ पार्टी। अब उसका जो नया नाम दिया गया है वो दिया गया है भारतीय जनता पार्टी, BJP। याद रखिएगा अभी सरकार है और दबा के पूरा मामला गर्म है, पूरे भारत में इसी का सरकार है, कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। अगला प्रश्न हमारा कहता है देश में विधायिका का कार्यकाल जो काम करने की अवधि है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा विधायक की कार्यकाल अवधि जो पहले 5 साल हुआ करती थी उसे 6 साल कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है गुजरात आंदोलन कब हुआ। तो आपको बताना है 1974 में क्या हुआ था, गुजरात आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था। मोरारजी देसाई थे, जिसे मोरारजी देसाई जब बनने वाले थे प्रधानमंत्री कांग्रेस के अंदर तो इंदिरा गांधी नहीं बनने दी, या फिर आपका ये सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया और मोरारजी देसाई को नहीं बनाया, तो मोरारजी देसाई पार्टियां छोड़ दिए, अलग पार्टी में चले गए और अलग पार्टी में जब गए तो ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जो कांग्रेस से बाहर के प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम था मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न हमारा कहता है जनसंघ के संस्थापक कौन थे। जनसंघ जो एक पार्टी थी उसका संस्थापक कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। याद रखिएगा जनसंघ पार्टी के संस्थापक का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न हमारा कहता है जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी की सरकार ने किस आयोजन का गठन किया है। मंडल आयोग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लिए, मंडल आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1979 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था। ये बड़ा मतलब अक्सर लोगों के मुंह से ऐसा क्वेश्चन सुनते हैं कि 1979 में ऐसे लोग कहते हैं कि BJP का सरकार कौन गिरा दिया था। देखिए उस समय YB चौहान जो थे उन्होंने जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अप्रस्ताव पत्र लगा दिया था, उनकी सरकार गिराने की पूरी कोशिश की गई थी। आगे की प्रश्न में देखते हैं भारतीय लोक दल की स्थापना कब हुई। 1974 में भारतीय लोक दल की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार कितने समय तक चली। 18 महीने तक चली थी, 1.5 साल तक आप कह सकते हैं, 18 महीने तक। गैर कांग्रेसी थे, कांग्रेस से बाहर के थे, प्रथम प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी, ये नाम याद रखिएगा मोरारजी देसाई, इनकी सरकार जब बनी तो वो कितने दिनों तक चली, 1.5 साल तक या फिर 18 महीने तक आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1977 के आम चुनाव के बाद जनता पार्टी के सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे। मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई को 1977 के आम चुनाव के बाद सरकार का प्रधानमंत्री का भार दिया गया और इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1977 के आम चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार बनी। 1977 तक ना लोगों को समझ में आ गया था कि कांग्रेस ना बेकार है, यहाँ पे परिवारवाद है, खाली परिवार के आदमी को प्रधानमंत्री बनाता है, विदेश मंत्री बनाता है, खाली परिवार के आदमी को देखता है, आम जनता का सुनता कहाँ है। वो तो ऐसे ही गांधी जी की जो ये इंदिरा गांधी थी वो नारा लगा दी थी कि गरीबी हटाओ, लेकिन अमल थोड़ी ना हुआ था,
तो 1977 में आम चुनाव के बाद किसकी सरकार बनी? जनता पार्टी की सरकार बनी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, आपातकाल इमरजेंसी, आपातकाल इमरजेंसी के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाए गए थे? देखिए, जब आपातकाल हमारे देश में इमरजेंसी लगा ना, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लगा दिया और जमात इस्लामी, इन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, बैन लगा दिए थे। किसने? कांग्रेस की सरकार ने। और किसने? इंदिरा गांधी ने। जी हाँ। अगला प्रश्न हमारा देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई? अनुच्छेद 352 अनुच्छेद के कारण ही उस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती प्रियदर्शनी गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी घोषणा कर दिया था। ध्यान से रखिएगा यार, अनुच्छेद भारत के अनुच्छेद 1975 में जो आपातकालीन लगाया गया वो अनुच्छेद था 352, जिस कारण से पूरे देश में आपातकाल इमरजेंसी लगा दिया गया था। आगे के प्रश्न में देखते हैं, देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई? 25 जून 1975 में देश के आंतरिक मामलों में टकराव, या फिर समझिए कि देश के अंदरूनी परेशानियों को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता को किस आधार पर अवैध किया? क्या है कि इलाहाबाद का नाम आपने सुना होगा, प्रयागराज जो नाम बदल गया है, तो उन्होंने क्या किया 1975 में, इनका केस गया वहां पे, तो इन्होंने क्या किया था ना, सरकारी अफसर सबका उपयोग किया था अपने चुनाव में, जबकि ये तो गलत है। सरकारी ऑफिसर का आप उपयोग नहीं कर सकते अपने निजी स्वार्थ के लिए, क्योंकि चुनाव तो आपके निजी स्वार्थ का चीज था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया, इनको निरस्त कर दिया कि ये आदमी ठीक नहीं है, इनका चुनाव ओके नहीं है, गैर सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करने से इनकी सदस्यता को अवैध करार दे दिया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी राज नारायण किस पार्टी से उम्मीदवार थे? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। याद रखिएगा, 1971 के लोकसभा चुनाव में जो इंदिरा गांधी के विपक्ष में खड़े थे वो थे राज नारायण, और वो कौन से पार्टी से थे? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, रेलवे कर्मचारी के राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब हुई? 1974 में हुई। पूछेगा कितने दिनों के लिए हुई, तो 20 दिनों के लिए हुई, याद रखिएगा, रेलवे कर्मचारी के राष्ट्रव्यापी हड़ताल 1974 में हुई। अगर दिन पूछे कितने दिनों तक चला, तो 20 दिन आप इसको बता दीजिएगा, 20 दिनों तक इनका हड़ताल चला था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किसके नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक नए दल का निर्माण हुआ था? चारू मजूमदार के नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक नए दल का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, नक्सलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत से प्रारंभ किया गया था? पश्चिम बंगाल से। बंगाल जो समझते हैं ना, पश्चिम बंगाल से ही नक्सलवादी आंदोलन भारत में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो आप पश्चिम बंगाल बताएंगे, पश्चिम बंगाल से ही नक्सलवादी आंदोलन शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1967 में, 1967 में नक्सलवादी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? महंगाई एवं भ्रष्टाचार। कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार की सीमा पार कर दी थी, महंगाई बहुत ज्यादा था, इसलिए बिहार के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया और इसी आंदोलन को हम बिहार में छात्र आंदोलन, जेपी नारायण ने जो इसको संपूर्ण आंदोलन का नाम दिया था, इस नाम से भी जानते हैं। आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं, बिहार आंदोलन के मुख्य सक्रिय नेता कौन थे जिसके नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ा? जयप्रकाश नारायण, बताया ना, जेपी नारायण, इनके नेतृत्व में बिहार के सभी छात्रों ने जमकर नेतृत्व किया जेपी नारायण ने, और इनके सक्रिय नेता थे उस समय जेपी नारायण, और इन्हीं के अंदर इसको आगे बढ़ाया गया था। तो नेता का नाम याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए जयप्रकाश नारायण का नाम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिहार आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में जो आंदोलन हुआ, जो छात्रों ने किया महंगाई के लिए और भ्रष्टाचार के लिए, उसे छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत बिहार से हुआ था और बिहार के लाला जेपी नारायण ने इसका नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1974 ईस्वी, रट लीजिए, याद कर लीजिए, 1974 से बिहार आंदोलन या फिर छात्र आंदोलन की शुरुआत आप कह सकते हैं हुआ था।
अगला प्रश्न हमारा कहता है 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था? जगजीवन राम। जगजीवन राम याद रखिएगा, 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक पार्टी का जो शुरुआत हुआ था, गठन हुआ था, वो जगजीवन राम जी ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी रख लीजिए। आगे के प्रश्न में देखते हैं, जनता पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? जनता पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। जनता पार्टी का निर्माण जो है वो जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण के मौजूदगी में हुआ था। इनका इसमें बहुत ही अहम भूमिका आप कह सकते हैं कि था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, शाह आयोग का गठन कब किया गया? 1977 में शाह आयोग का गठन किया गया था। शाह आयोग का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? 1975 ईस्वी में श्रीमती प्रियदर्शनी गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। इमरजेंसी के बारे में आउट ऑफ सिलेबस होके खूब चर्चा करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी हमें बस सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में पूरे भारत के लिए आपातकाल घोषित कर दिया था, इमरजेंसी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, देश के प्रथम नागरिक करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी करते हैं। किसका? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं, जज जो होते हैं, जो ऑर्डर ऑर्डर करते रहते हैं, उनका चयन हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे के प्रश्न में देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 368 में। क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 368 में किया गया है। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, रट्टा मार लीजिए इसको कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस जो थे वो 1974 का जो रेल हड़ताल हुआ था उसके मुख्य नेता थे। ये भी बहुत ही दिग्गज नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस, याद रखिएगा ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न कहता है, जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मुरारजी देसाई। बताया था ना कि पहला चुनाव हुआ तो गैर कांग्रेसी नेता थे वो, मुरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो कांग्रेस के नहीं थे, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? भारत से बड़ा कौन लिख सकता है संविधान? भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत के प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेवल तक पूछा जाता है, यूपीएससी बीपीएससी बैंकिंग सब में भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, नियुक्त किए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? देखिए, अनुच्छेद 61 के माध्यम से हमारे देश के जो प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति हैं, उन पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अगर आप राज्यसभा की सदस्यता लेना चाहते हैं तो इसके लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है, याद रखिएगा, 30 वर्ष है। अगला प्रश्न हम देखना चाहते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन का प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए, निश्चित निवास, आपका घर यदि निश्चित है तो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारत के किसी लड़की से या लड़का से अगर आपने शादी कर लिया, जैसे सोनिया गांधी ने कर लिया, तो भारत की नागरिक हो गई। सरकारी सेवा, यदि आप कोई सरकारी नौकरी में है तब भी आपको यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था। कब? 1955 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में ही हो गया था, 1951 में भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान समझ लीजिए कि भारत के संविधान में पहला बार संशोधन 1951 में ही हुआ था।
अगला प्रश्न है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उन्हें कितने साल तक के लिए नौकरी करने का मौका मिलता है? 62 साल तक, 62 ईयर तक वो कर सकते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। राज्यों के, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। हर एक राज्य में अपना एक राज्यपाल होता है जो संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? 1687 ईस्वी में ही। और साथ ही साथ बता दूं कि पहले तो ये ब्रिटेन में था, दूसरा हमारा भारत ही ऐसा देश था जिसमें नगर निगम स्थापित हुआ था 1687 ईस्वी में, और इससे पहले सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में नगर निगम था, और इसके अलावा कहीं नहीं था। ये याद रखिएगा, 1687 में भारत में पहला नगर निगम स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, राज्यपाल का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यपाल का सभापति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यपाल के सभापति भी होते हैं। राज्यपाल का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? अगर भारत के राष्ट्रपति को रिजाइन देना है, पद को छोड़ना है, तो वो किसे देगा? तो या तो वो प्रधानमंत्री को देगा या फिर उपराष्ट्रपति को देगा। ये दो ही आदमी को भारत के राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। किसे? प्रधानमंत्री को, उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री को, या फिर उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब में लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन हमारे भारत देश में सबसे पहले अगर किसी राज्य में लगाया गया था तो वो राज्य है पंजाब। पंजाब में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकार किया गया? भारत का संविधान जो है वो 1949 में अंगीकार किया गया, अपनाया गया, निर्माण किया गया, बताया गया। आप कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो है वो 1949 में अंगीकार किया गया। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट एमसीक्यू समाप्त हो चुके हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।